एह् रेडियो कश्मीर जम्मू ऐ। संजा खबरें च तुंदा स्वागत। पैहले मुक्ख खबरें कन्नै में तरसेम कुमार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें पाकिस्तान गी चेतावनी दित्ती ऐ जे आतंकवादी हमले भारत गी कमजोर नेईं करी सकदे। उनें आक्खेआ जे सुरक्षाबलें गी हालात कन्नै निबड़ने गितै पूरी आजादी दित्ती गेदी ऐ। भारत ने पाकिस्तान गी दित्ता गेदा मती तरजीह आले मुल्ख दा दर्जा वापस लेई लैता ऐ। गृहमंत्री राजनाथ सिंह होरें श्रीनगर दा दौरा लाइयै पुलवामा आतंकवादी हमले परैंत बने दे हालात दा जायजा लैता। भारत ने पाकिस्तान दे हाई कमिशनर गी तलब करियै पुलवामा आतंकवादी हमले दे सिलसिले च बड़ा सख्त डिमार्च जारी कीता ऐ। जम्मू दे जिला मैजिस्ट्रेट होरें कानून व्यवस्था बरकरार रखने लेई जम्मू शहर च एहतियात दे तौर पर कर्फ्यू लाई दित्ता ऐ ते पुलवामा च CRPF पर होए दे हमले दे विरोध च जम्मू खित्ते च पूरी चाल्ली बंद हड़ताल रही। हुन खबरें दी तफसील कन्नै विजय बजाज। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें पाकिस्तान गी चेतावनी दित्ती ऐ जे पुलवामा च CRPF दे जवानें पर होए दे हमले जनेही हरकतें करी भारत कमजोर नेईं होग। उनें आखेआ जे इस हमले दे कसूरवारें गी एह्दी बड़ी बड्डी कीमत अदा करनी पौग। उनें गलाया जे पूरी दुनिया च बक्ख बाहरा होई गेदा भारत दा गवांडी मुल्ख जेकर एह् समझदा ऐ जे ओह् अपनी भैड़ी चालें दे कन्नै भारत गी अस्थिर करी सकदा ऐ तां ओह् बड़ी बड्डी गलती करा'रदा ऐ। उनें आखेआ जे ऐसा कदें नेईं होग। श्री मोदी होरें गलाया जे सुरक्षाबलें गी पूरी खुल्ल देई दित्ती गेदी ऐ ते पुलवामा आतंकवादी हमले गी अंजाम देने आह्लें गी पक्क गै सजा दित्ती जाग। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। मैं सभी वीर शहीदों को, उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए, मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन शब्दों सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे। प्रधानमंत्री होरें अज्ज नमीं दिल्ली रेलवे स्टेशन थमां वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगड्डी गी रवाना करोआंदे बेल्ले एह् गल्ल आखी। श्री मोदी होरें भारत दा समर्थन करने आह्ले सब्भनें मुल्खें दा धन्नवाद कीता ते पुलवामा हमले दी सख्त लफ्जें च निंदेआ कीती। उनें सब्भनें मुल्खें दा आह्वान कीता जे ओह् आतंकवाद दे खात्मे लेई किट्ठे होई जान। प्रधानमंत्री होरें पुलवामा आतंकवादी हमले च शहीद होए दे CRPF दे जवानें गी श्रद्धांजलि बी अर्पित कीती। भारत ने पुलवामा आतंकवादी हमले दे मगरा पाकिस्तान गी दित्ते गेदे मती तरजीह आले मुल्ख दा दर्जा वापस लेई लैता ऐ। केंद्री मंत्रीमंडल दी सुरक्षा सरबंधी कमेटी दी अज्ज नमीं दिल्ली च लग्गी दी मीटिंग दौरान एह् फैसला लैता गेआ। मीटिंग मगरा पत्रकारें गी संबोधित करदे होई केंद्री मंत्री अरुण जेटली होरें आखेआ जे विदेश मंत्रालय आलमी बिरादरी थमां पाकिस्तान गी पूरी चाल्ली बक्ख बाहरा करी देने लेई सब्बै मुमकिन कूटनीतिक कदम पुट्टना शुरू करी देग। अंतर्राष्ट्रीय समाज को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को विदेश मंत्रालय और भारत संपर्क करेगा सब प्रमुख देशों को, ताकि उसको तुरंत पारित कर दिया जाए। जहां तक हमारे सुरक्षा दल हैं, वहां पर शांति और अमन बना रहे कश्मीर घाटी में, सुरक्षा के पूरे कदम कि ऐसे कोई और घटना ना हो, वो इसको अपनाएगी और वो कदम लेगी। और इसके साथ साथ जिन लोगों ने ये अपराध किया है आतंकवाद का और जिन्होंने उसको समर्थित किया है, उनको एक बहुत बड़ी कीमत इसकी अदा करनी पड़ेगी। गृहमंत्री राजनाथ सिंह होरें जोर देइयै आखेआ जे अस आतंकवाद दे खलाफ निर्णायक लड़ाई गी जित्ती लैगे। आतंकवादी हमले दे मद्देनज़र सुरक्षा स्थिति दा जायजा लैने आस्तै गृहमंत्री राजनाथ सिंह होर अज्ज श्रीनगर पुज्जे। इक ऐहलकारै दस्सेआ जे श्री सिंह होरें जमीनी सतह पर स्थिति दी जानकारी आस्तै ते अग्गें दी कार्रवाई आस्तै सीनियर सुरक्षा ते पुलिस अधिकारिएं कन्नै इक समीक्षा मीटिंग लाई। उनें जम्मू कश्मीर सरकार गी सांप्रदायिक सौहार्द गी यकीनी बनाने दा निर्देश दित्ता। उनें अग्गे आखेआ जे सेना ते सुरक्षाबलें दी कानवाई दी आओजाई दौरान सिविल गड्डियें दी ट्रैफिक गी रोकेआ जा। गृह मंत्रालय ने पुलवामा हमले की जांच पड़ताल लई NIA ते फोरेंसिक माहिरें की टीम गी रियासत च भेजेआ ऐ। केंद्री गृहमंत्री राजनाथ सिंह होरें पुलवामा आतंकवादी हमले च शहीद CRPF दे जवानें गी श्रद्धांजलि दित्ती ते इक शहीद दे पार्थिव शरीर गी मुंडा भी दित्ता। दिल्ली थमां श्रीनगर पुज्जने दे फौरन मगरा गृहमंत्री होरें उत्थे इक कार्यक्रम च हिस्सा लैता जित्थे तिरंगे च लपेटियै CRPF दे शहीदें दे पार्थिव शरीर रखे गेदे हे।
गृहमंत्री होरें आखेआ जे मुल्ख अपने सीआरपीएफ दे दलेर जवानें दे सर्वोच्च बलिदान गी कदें बी नेईं भुल्लग ते इंदा बलिदान जाया नेईं जाग। गृहमंत्री राजनाथ सिंह, गवर्नर सत्यपाल मलिक, गृह सचिव राजीव गाउबा, सीआरपीएफ दे डरैक्टर जनरल आर.आर. भटनागर, रिआसती पुलसा दे डरैक्टर जनरल दिलबाग सिंह ते होरनें बी केईं वरिष्ठ ऐह्लकारें श्रद्धांजलि कार्यक्रम च हिस्सा लेआ। विदेश सचिव विजय गोखले होरें अज्ज पाकिस्तान दे हाई कमिशनर सोहेल महमूद गी तलब कीता। खबर एजेंसी यूएनआई नै खबर दित्ती ऐ जे सोहेल महमूद होरेंगी विदेश मंत्रालय च बुलाया गेआ ते कल होए दे आतंकवादी हमले दे सरबंधै च बड़ा सख्त डीमार्च जारी कीता गेआ। विदेश मंत्री होरें पाकिस्तान गी आखेआ जे उसी जैश ए मोहम्मद दे खलाफ फौरी ते सख्त कार्रवाई करनी लोड़चदी। पाकिस्तान गी अपनी धरतै थमां सक्रिय आतंकवादी संगठनें ते उंदे कन्नै जुड़े दे लोकें खलाफ फौरी कदम चुक्कने चाहिदे न। विदेश मंत्री होरें कल्लै दी घटना बारै पाकिस्तान दे विदेश मंत्रालय दे बयान गी बी खारिज करी दित्ता। कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी होरें आखेआ जे उंदी पार्टी पुलवामा आतंकवादी हमले मगरा पूरी चाल्ली कन्नै सरकार ते सुरक्षाबलें दे कन्नै खड़ोती दी ऐ। नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई श्री गांधी होरें आखेआ जे इस चाल्ली दी घटना बड़ी कायराना ऐ ते कोई बी ताकत भारत गी बंडी नेईं सकदी। साबका प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह होरें आखेआ जे भारत आतंकवाद दी कवैतू कन्नै निबड़ने आस्तै इकजुट राष्ट्र आंगर कोशिश करोग ते आतंकवाद गी लेइयै कोई बी समझौता नेईं कीता जाग। पाकिस्तान गी सख्त संदेश च अमरीका ने उसी आखेआ ऐ जे ओह् तुरत सब्भनें आतंकवादी गुटें गी समर्थन ते शैह देना बंद करी देऐ ते कन्नै अपनी धरतै पर उनेंगी सुरक्षित आसरमें बी नेईं बनांदी ऐ। अमरीका ने पुलवामा आतंकवादी हमले दी सख्त लफ्जें च निंदेआ कीती ऐ। चीन ने भी जम्मू कश्मीर दे पुलवामा जिले च होए दे आतंकवादी हमले दी सख्त निंदेआ कीती ऐ। चीनी विदेश मंत्रालय ने आखेआ जे उंदा मुल्ख हर चाल्ली दे आतंकवाद दी सख्ती कन्नै मुखालफत करदा ऐ। उनें आखेआ जे चीन मेद करदा ऐ जे सरबंधत इलाकाई मुल्ख आतंकवाद दे खतरे कन्नै निबड़ने च सहयोग करङन ते इलाकाई रमानदारी ते स्थिरता बरकरार रखने लेई किट्ठे रलियै जतन करङन। एह् खबरां तुस रेडियो कश्मीर जम्मू परा सुना'रदे ओ ते हुन बाकी दियें खबरें कन्नै तरसेम कुमार। पर ओह्दे कोला पैह्ले एह् संदेश। अरे बेटा, तुम्हें छींके आ रही हैं, गला तुम्हारा खराब है, आराम करो घर में। पापा जी, ये किसी की सुनते कहाँ हैं? बुखार भी है। ये स्वाइन फ्लू भी हो सकता है, क्योंकि खांसी, गला खराब होना, बुखार, सांस लेने में तकलीफ इन्फ्लुएंजा के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तुमने, खासकर बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एवं एचआईवी के मरीजों को। यदि डॉक्टर घर में इलाज की सलाह दे, कम से कम 48 घंटे में डॉक्टर की पुनः सलाह लें। जरा सी सावधानी आपको स्वाइन फ्लू संक्रमण से बचा सकती है। इसका इलाज चुने हुए सरकारी अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। जाबता फौजदारी दे सैक्शन 144 दे तहत अपने इख्तियारें दा इस्तेमाल करदे होई जम्मू दे जिला मैजिस्ट्रेट होरें कानून ते व्यवस्था गी बनाए रखने आस्तै ते आम लोकें दी जान ते संपत्ति दी हिफाजत आस्तै पूरे जम्मू शहर च कर्फ्यू लाने दा हुक्म दित्ता ऐ। साढ़े संवाददाता ने खबर दित्ती ऐ जे कश्मीर घाटी दे पुलवामा च होए दे आतंकी हमले मगरा जम्मू क्षेत्र च बड़े भारी प्रदर्शनें मगरा एहतियात दे तौरा पर कर्फ्यू लाया गया ऐ। अधिकारिक सूत्रें आकाशवाणी जम्मू की दस्सेआ जे सेना की कानून ते व्यवस्था की बनाए रखने आस्तै ते फ्लैग मार्च करियै प्रशासन की मदद करने की गुजारिश की गेदी है। पराने जम्मू शहर च प्रदर्शनें दे मगरा होई दी झड़पें करी बनी दी कानून ते व्यवस्था की स्थिति की दिखदे होई प्रशासन की कर्फ्यू लाना पिया। इसलै स्थिति तनावपूर्ण पर काबू च है। तुआई अज कीते गेदे जम्मू बंद दे दौरान कुसै चाली दी माड़ी घटना दी कोई खबर नहीं है। जम्मू क्षेत्र दे सभनें जिलें च बंद दा असर दिखाया गया, जित्थे अलर्ट जारी कीता गेदा हा। जम्मू शहर ते जम्मू खित्ते दे होरने केईं जिलें च अज्ज दिन भर पूरी चाली बंद रहा। साढ़े जिला संवाददाताएं रिपोर्ट भेजी है जे रामबन, सांबा, कठुआ, पुंछ, रजौरी, डोडा ते उधमपुर च भी पुलवामा हमले दे विरोध च बंद रखा गया। तुआई साढ़े सांबा आह्ले संवाददाता सतपाल शर्मा होरें जानकारी दित्ती है जे जिले दे सीईओ हुंदे मुताबक कल एहतियात दे तौरा पर जिले च सब्बै शिक्षा इदारे बंद रखे जांगन। गवर्नर सतपाल मलिक होरें करगिल जिले थमां आल पार्टी कोआर्डिनेशन कमेटी दे सदस्य कन्नै अज्ज मलाटी कीती तां जे नमें कायम कीते गेदे लद्दाख खित्ते कन्नै सरबंधत करगिल दे लोकें दी चिंताएं दा नबेड़ा कीता जाई सकै। मीटिंग मगरा गवर्नर होरें करगिल दे लोकें दी आसें तांगें गी पूरा करने लेई केईं फैसलें दा ऐलान भी कीता। इंदे च एह् फैसला भी शामल ऐ जे लद्दाख ते नमें कायम कीते गेदे प्रशासनिक ते राजस्व डिवीजन दा हैडक्वार्टर सांझे तौरा पर लेह ते करगिल च होग। लेह ते करगिल दौनें गै थाहरें पर एह्दे दफ्तर होङन। रियासती प्रशासनिक कौंसल आसेआ योजना मैह्कमे दे प्रधान सचिव हुंदी निगरानी तैह्त कायम कीती गेदी एह् कमेटी इनें मामले दी जांच करियै औंदी 24 फरवरी तकर अपनी रिपोर्ट जमा करवाग। ते हुन अखीरै च खास खबरां इक बारी परतियै। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें पाकिस्तान गी चेतावनी दित्ती ऐ जे आतंकवादी हमले भारत गी कमजोर नेईं करी सकदे। उनें आखेआ जे सुरक्षाबलें गी हालात कन्नै निबड़ने दी पूरी आजादी देई दित्ती गेई ऐ।
भारत ने पाकिस्तान गी दित्ता गेदा मती तरजीह आले मुल्ख दा दर्जा वापस लेई लैता ऐ। गृहमंत्री राजनाथ सिंह होरें श्रीनगर दा दौरा लाइयै पुलवामा आतंकवादी हमले परैंत बने दे हालात दा जायजा लैता। भारत ने पाकिस्तान दे हाई कमिशनर गी तलब करियै पुलवामा आतंकवादी हमले दे सिलसिले च बड़ा सख्त डीमार्च जारी कीता ऐ। जम्मू दे जिला मैजिस्ट्रेट होरें कानून व्यवस्था बरकरार रखने लेई जम्मू शैहरा च एहतियात दे तौरा पर कर्फ्यू लाई दित्ता ऐ ते पुलवामा च सीआरपीएफ पर होए दे हमले दे विरोध च जम्मू खित्ते च पूरी चाल्ली बंद हड़ताल रही। खबरें दे इस बुलेटिन च बस इन्ना गै। हून सुनो।